ड्यूल में तो टाइमर होता ही नहीं, तो ड्यूल क्लियर है? यस सर। अभी यहाँ पे क्या कर दिया ये? इसके कहाँ से? जैसे ही इस ये ऑन होगा हमारा, जैसा ही ये वाला कॉन्टैक्टर में सप्लाई आएगी, उसी से देखो A1 से ही तो दिया है ये, A1 से इसके अंदर दे दिया। और इसके अंदर दो पॉइंट थे, एक है अपना 16, ये 15 और 25। ये 25 नंबर है और 15 नंबर है, कट गया, कोई नहीं, आगे ले लेंगे। ये 15 नंबर है और 25, इनको भी आपस में सॉर्ट कर दिया। यहीं से एक तार यहां लगा दिया, यहां से एक तार यहां लगा दिया, समझ गए ना? कोई डाउट यहां तक? सर अगर नंबर नहीं रहेगा तो? नंबर नहीं रहेगा तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसमें, हमें देखने के लिए इनपुट आउटपुट, हम जैसे A1 A2 तो हमें पता ही होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा? मतलब देखो टाइमर के ऊपर ऐसा बहुत ही कम होता है कि नंबर नहीं मिले तो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। सबसे पहले देखो इसके अंदर सप्लाई जानी चाहिए, ये एक इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक NONC बनाती है। नहीं, फिर क्या करेंगे हम उसको सप्लाई देंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे पहले कौन सा NC तो स्टार्टिंग NC होगा भाई, कोई भी दो पॉइंट NC होंगे पहले, तो पहले एक NC को पकड़ लेंगे हम, कोई भी, हमने NC को पकड़ लिया, इसको सप्लाई दे दी, फिर NC से NO हो रहा है, हाँ जी ठीक है, एक पॉइंट तो सही पकड़ा है, फिर दो NC, दोबारा NC कौन सा हो रहा है, वो कंटिन्यूटी फिर चेक कर लेंगे। या हमने इस तरह सप्लाई दे दी है तो भाई सबसे पहले तो मैंने इसमें टेस्ट लगा के देखा एक पॉइंट में, जिसमें पहले ही आ रखा था, जिसमें स्टार में चलना था हमारा, ठीक है, सप्लाई आ रही है, एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड, पाँच सेकेंड, टक चेंज होगी दूसरे में, तो क्या होगा यहाँ से टेस्ट चलना बंद, फिर दूसरे में टेस्ट डाल के देखेंगे हम। यहां तक कंफ्यूजन क्लियर? इंटरलॉकिंग तो आप लोगों ने सीख ली ना? कोई ऐसा है जिसको इंटरलॉकिंग में कुछ कंफ्यूजन है? कोई नहीं है ना? तुम्हारे से पूछूंगा मैं अभी, पता है तो बता क्यों नहीं रहे हो? इंटरलॉकिंग नहीं आ रही ना? देखो अभी हाथ उठाने लगे हैं, देखो यहाँ खड़ा हो गया ना, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है किसको पता है किसको नहीं पता है। आपका वो जो पिछले वाला था रिवर्स फॉरवर्ड नहीं हुआ अभी? रिवर्स फॉरवर्ड पेंडिंग है, ठीक है, तो ठीक अभी रिवर्स फॉरवर्ड पर ब्रेक लगा देते हैं, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ छोटी सी, सबसे छोटी चीज़ है इंटरलॉकिंग, कोई ऐसा किसी को मुश्किल लगा इंटरलॉकिंग? बहुत आसान चीज़ है वो, इंटरलॉकिंग भी अभी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी क्या किया, ये कौन सा स्टार्टर है? डेल्टा अगर, सबसे पहले हमें चलाना कौन सा है, तो अभी क्या किया है हमने, ये डेल्टा में सप्लाई नहीं दी हमने, डेल्टा के NC में सप्लाई दी है, डेल्टा के। अभी यहां से जैसे दो पॉइंट थे ना, ये नीचे 16 नंबर पॉइंट था, उसमें 16 और कुछ है, मतलब इसके नीचे जो NC पॉइंट था ना, हाँ ये NC है, ठीक है, इस NC से तार उठाया, NC में दे दिया, कौन से के, जोन सा हमें चलाना है ना, जोन सा हमें चलाना उससे दूसरे के, जोन सा हमें चलाना है उसके दूसरे में। और ये क्यों दिया इसको, ये जो अभी कर रहे हैं ना, इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। सपोज ये NC का मतलब क्या होगा कि ये यहां से जैसे ही सप्लाई दूंगा ना, ये यहां पर मिल जाएगी मेरे को, और यहां से फिर तार जोड़ के अभी हम लेके आते हैं आगे, यहां तक था, अभी यहां से यहां सप्लाई आई और ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये यही इंटरलॉकिंग है। आप लोग कह रहे थे ना इंटरलॉकिंग, अगर जैसे मैं इसको डायरेक्ट भी दे सकता था,
ऐसा नहीं है यहाँ से उठा के डायरेक्ट दे देता, जब भी ये ऑन हो जाता आराम से। बट हमने क्या किया, अगर ये इस कॉन्टैक्टर के अंदर सप्लाई है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, ये एन सीधा एन ओ हो जाएगा, ये सप्लाई यहाँ से जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, घुमा के यहाँ पर दे दिया एक तार। यहाँ तक क्लियर है? अभी दूसरे वाले का कैसे देंगे, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, किसको ही ऐसा है, इसको समझ में नहीं आया ये? नहीं, ये एक, ये एनसी में लगा है या एनओ में लगा है? ये हमारा एनसी पॉइंट है, जिसमें जो स्टार में कनेक्टेड है, जो स्टार के कॉन्टेक्टर में पहले जो सप्लाई दी थी वो एनसी से दी थी, और जो अभी दी है ये एनओ से दी है। 5 सेकंड के बाद टक 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 टक। सर ये स्टार में तो एनओ से देंगे ना? नहीं, तो ऑन ऑन कैसे होगा सर? जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा एनओ एनसी हो जाएगा, स्टार में हो गया। जब इधर 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 आके जब ऑन होगा टाइमर का जो सर टाइमर का मैं एनओ बोलता हूं। नहीं, टाइमर का ही तो बता रहा हूँ, टाइमर का एनओ स्टार के इसमें जाएगा ना? नहीं, टाइमर का एनसी स्टार वाले में। टाइमर अगर ऑन होता तो एनसी तुरंत एनओ हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? टाइमर ऑन होगा? नहीं नहीं नहीं, टाइमर ऑन होने के उसमें टाइमर लगा रखा है ना, ऑन डिले दोस्ती है। नहीं सर, उसमें दो पॉइंट दिया, एक 15 16 और 18 में क्या है ना कि जो आपका टाइमर है ना जी सर, आपका ऑन डिले टाइमर इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप पीछे प्रयोग देखोगे तो उसमें दे रखा है कि जो 15 16 है वो आपका एनसी है, और जो 18 15 18 नंबर वो आपका एनओ पॉइंट है। तो टाइमर का एनसी पॉइंट यानी सबसे पहले आपका एनसी बनेगा, सबसे पहले आपका कॉन्टैक्टर कौन सा होगा? स्टार। तो टाइमर का जो एनसी पॉइंट होगा वो स्टार होगा, उसके 10 सेकंड बाद आपने उसे डिले किया, आपने टाइम को डिले किया 10 सेकंड 15 सेकंड का, उसके बाद क्या होगा, 10 सेकंड बाद जो एनसी था वो एनओ पे चले जाएगा। 16 के बाद कौन सा होता है दूसरा? सर मैं उधर चेक कर रहा था, जब टाइमर हमारा ऑफ था 15-16 से कंटिन्यूटी में, अभी चेक करा देंगे दोबारा से। 15-16 एनसी है मेरे भाई जी सर, तो जब टाइमर में सप्लाई गई तो 16 पे सप्लाई नहीं आती स्टार पे। नहीं, अभी चेक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, अरे अरे A1, अरे रुक जा, ये बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम्हारा कंफ्यूजन है, देखो यहाँ नहीं सोल हो रहा है, अंदर सोल होगा, सोल करके देंगे तुम्हारा कंफ्यूजन को। अभी जो जेन्युइनली है ना वो ये है कि आपका एनसी में जाना चाहिए। मैं दिखा रहा था जैसे को टाइमर है, टाइमर के ऊपर ना है, टाइमर उठा के लाओ एक मिनट उधर से। टाइमर का काम क्या है कि भाई टाइमर है, टाइमर के अंदर हमने इसमें ऑन डिले टाइमर यूज किया कि भाई मुझे क्या करना है कि दो पॉइंट हैं, सपोज ये कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, कि इसमें तो ये इससे तो जुड़ा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूँ उसके 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी हम उसमें सेट करेंगे उस टाइम के बाद, इसमें सप्लाई आने के, इसमें जैसे ही सप्लाई आएगी टाइमर में सुई चलने लग जाएगी टक 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 टक, और जितनी देर का हम उसमें टाइम भरेंगे उसके बाद में क्या होगा ना, ये सुई हटके इधर कनेक्ट हो जाएगी, इधर ये हट जाएगी। जो ये एनओ था पहले एनसी था, ये एनओ हो जाएगा, और ये एनओ था ये हमारा एनसी हो जाएगा। ठीक है, टाइमर की कहानी किसी को और नहीं समझ में आई ये तो? हाँ सर, टाइमर से हम तो डेल्टा चलाने के लिए कर रहे हैं ना सर, एक बार स्टार्ट चल गया फिर डेल्टा के लिए चलाने के लिए कर रहे हैं सर, टाइमर चलाना है उससे क्या होगा? वही तो जो आप लोगों को बताया कि भाई अगर हमने जो स्टार में चलाया, स्टार में हमारे कनेक्शन किस तरह होते हैं पता है आपको? सीरीज में।
जो मोटर में 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट हमारे एक जगह होते हैं, बाकी पॉइंट ये हमारा जो पावर डायग्राम वाला जब हम आपको समझाएंगे ना उस दौरान ऐड कर देंगे। अब दोनों को कंफ्यूज कर देंगे, सब बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होगा। अब ये समझे ऐसा ही करना ही है, क्यों करना है वो आपको जब पावर डायग्राम हम समझाएंगे। ये क्या है ना, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में हम पावर को नहीं घुसा रहे हैं अभी, ये समझो कि चलाना ही है। भाई मेरे को ऊपर जाना है छत के ऊपर, तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, लटक के नहीं चढ़ना है हमें। तो ये टाइमर का फंडा है। अगर टाइमर का फंडा कंट्रोलिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे, पावर वाला पावर वाली क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी कंट्रोलिंग में कर रहे हैं, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेचारा वो भी ट्रैक से उतर के, भैया ये और तीसरी चीज क्या है, तो अभी हम सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक जो इसके ऊपर ना, देखो एक 15 नंबर है, 15, 16, 18, फिर है 25, 26 और 28, इस तरह करके इसमें पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। इसमें 15 लिखा हुआ है, इसमें कैसे लिख रखा है, इसमें क्या लिख रखा है कि ऊपर 15 लिखा हुआ है, यहां से एक डंडी सी आई, यहां 16 लिख दिया और यहां पर लिख दिया इन्होंने 18 नंबर, और यहां स्टार का साइन बना दिया है। इसी तरह दूसरा बना दिया जिसमें इन्होंने लिख दिया है 25, ठीक है, और इस तरह करके ये वाला आ गया 26 के ऊपर और यहां दे दिया 28, और यहां पर डेल्टा का साइन बना रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले जो स्टार वाला तार लगाया वो 16 नंबर में, ये कहां लगाया दिख रहा है ना, जिसमें स्टार कॉन्टेक्टर को हमने ऑन किया था, किसमें लगा है, 16 नंबर तार में। सर यही मेरा कंफ्यूजन, ये तो आपके कंडीशन में डायग्राम है इसका, हाँ। जब ये स्टार में पावर आएगी तो तुरंत ये 18 में चला जाएगा ना सर? नहीं, टाइम 5 सेकंड के बाद में, जितना टाइम उसमें भरा रहेगा ना उस सेकंड, उस टाइम के बाद में जाएगा। डेल्टा का टाइम होता है कि स्टार का भी टाइम? स्टार का कोई टाइम नहीं होता, डेल्टा का टाइम। जैसे ही इसके अंदर लाइट आएगी ऑन करेंगे, ये दोनों कॉन्टेक्टर हमारे ऑन हो जाएंगे। तो सर ये 16-18 में चला जाएगा जब? क्यों चला जाएगा? उसमें स्टार में सप्लाई आएगी तो 18 में नहीं जाएगा सर? तुरंत नहीं होगा ना भाई, जैसे ही लाइट जाएगी ये ऐसे ही रहेगा। सपोज तूने बटन दबा दिया, अभी देख लो एक सिस्टम, इधर इधर ध्यान दे सब लोग। मैंने क्या किया, मैंने बटन दबा दिया भाई, बटन दबाते ही सप्लाई चालू होगी, इसमें आ गई, इसमें तो है ही है, इसमें है सप्लाई, मतलब मिली सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, इसमें भी है और साथ के साथ घूम के इसमें भी आ गई है। तो हमें क्या लगेगा कि एक दो ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में ऑन हुए हैं और साथ साथ टाइमर में सप्लाई आ गई। टाइमर में घंटी है अंदर, वो घंटी घड़ी कब चलती है, घड़ी कब चलेगी, जब इसको सप्लाई मिलेगी, जिसके A1 को सप्लाई मिलेगी। A1 को सप्लाई कब मिली, जब इसको सप्लाई मिली, इसको तीनों के एक साथ में सप्लाई मिली ना। अभी इसको सप्लाई मिल गई, इसको सप्लाई मिलते ही ये वाला कॉन्टेक्टर मेन और मेरा स्टार तो ऑन हो गया, ये 16 नंबर ऐसे ही रहेगा। 16-18 पे कब जाएगा, जितनी देर का टाइम सेट करूंगा उसके अंदर। सपोज मैंने 5 सेकंड का कर दिया, तो 5 सेकंड तक ये सप्लाई ना इसी के अंदर रहेगी, बटन दबाने के 5 सेकंड तक वो सप्लाई 16 के अंदर ही रहेगी। 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये सप्लाई यहां से कट जाएगी और इसके साथ जुड़ जाएगी। हाँ जी, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो आप। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, मेरा अगला स्टेप वही था जो आप पूछना चाह रहे थे। चाहे आप एक सेकंड यार देखो, पहला हमने 16 पे दे दिया, मैं सोच रहा हूं मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, मत कर। तो पहला 26 पे दे दो, स्टार वाला पॉइंट 26 पे दे दो और डेल्टा वाला 28 पे दे दो। सर मैं ऐसा करके देखा तो तुरंत सप्लाई इसमें, जैसे ही इसमें सप्लाई आई टाइमर में, 16 पे नहीं मिली, डायरेक्ट 18 मिली। तो हो सकता है टाइमर खराब हो सकता है वो टाइमर खराब हो, ऐसा कुछ है। फिर जब डेल्टा में जाता है तो 26 से नहीं 28 पे मिलती है। हाँ देखो क्या है, ये दो भाई, ये दो सिस्टम है अलग अलग। आप खाली इसको यूज करके भी पूरा चला सकते हो,
खाली इसको यूज करके, जैसे 16 पे दे दिया एक सप्लाई, 16 पे कौन सा दे दिया स्टार का, 18 पे डेल्टा दे दो। कौन सा, एक पॉइंट को शॉर्ट करो, मत करो दोनों को, 25 नंबर को मत करो शॉर्ट, 25 नंबर को स्पेयर रख लो, 25 नंबर को अपने को स्पेयर रख लो, उसके ऊपर लोड नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं तो सेफ चलेगा ना फ्यूचर के लिए। कभी आपका ये वाला पॉइंट खराब हो गया तो इस वाले से चला लो फिर। मैं दोनों शॉर्ट करके देखा था भाई साहब। नहीं देखो इसको मत करो ना, ये मैंने बोला ना 25 पे करो, 25 मत करो शॉर्ट। अगर आप इस तरह यूज करना चाहते हो तो एक 16 पे यूज करना है, एक 28 पे यूज करना है। मतलब स्टार में चलानी है तो 16 पे तार जोड़ना है, डेल्टा पे चलानी है तो 28 पे जोड़ना है। आप चाह रहे हो दोनों ही यूज करूंगा, आप एक यूज करना चाहते हो 16 और 18 पे दे दो, चल जाएगा। हुआ हुआ क्लियर भाई? हाँ जी सर, स्टार में आगे से मोटर ना, जैसे हमने क्या चीज है, क्या स्टार में, अरे एक सेकंड यार भाई, हो दो मिनट। हाँ सर, हम स्टार में स्टार्ट करेंगे, स्टार में करीब 5 सेकंड का डिले होना चाहिए, तो सर ये बटन होल्ड भी तो होना चाहिए। तो होगा ना 5 सेकंड हो ना, तो सर उसकी होल्डिंग नहीं रहेगी। कहाँ होल्डिंग, क्यों जरूरत है होल्डिंग की? अरे भाई होल्डिंग मैंने डायरेक्ट A1 में दे दिया ना, होल्डिंग से क्या मतलब, होल्डिंग का काम ये कर रहा है ना, काम यही कर रहा है ना। सर एक मिनट सर, पहले आप समझा दीजिए प्लीज, उसके बाद ये डाउट क्वेश्चन फिर करिए, ठीक, वरना सारा कंफ्यूज हो जाएगा सर। कोई नहीं, दोबारा वो खत्म हो जा रहा है, तो कोई नहीं दोबारा पीछे ले लेते हैं सर, इसको पहले पूरा आप समझा दीजिए उसके बाद। ये देखो ये DOL हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। DOL के बाद में ये हमने टाइमर को सप्लाई दे दी है, टाइमर को सप्लाई देते हैं उसके साथ साथ में इसके हमने 16 नंबर पॉइंट से इसके NC में दिया, NC से निकाल के A1 में चला गया हमारा, ये दो कॉन्टेक्टर होल्ड हो गए, ठीक है। अभी चलते हैं और आगे, जो उन्होंने किया था बिल्कुल परफेक्ट था। इसमें क्या किया हमने, जो दूसरा तार था ये यहाँ से तार लिया, NC में गया, NC से निकला, A1 में चला गया, आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर खत्म बन गया आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। अभी इसमें आपको इंडिकेटर लगाना रह गया है, इंडिकेटर जैसे पहले लग रहे थे वैसे इंडिकेटर लगेंगे, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसको बनाने में, लॉजिक जिसको समझना है वो लॉजिक यहां पर आ जाएंगे, उसको समझा देंगे लॉजिक। तुम्हारे को आ गया समझ में कुछ? हाँ इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर दूर करेंगे। सर मान लीजिए आपकी कंडीशन में इंडिकेटर लगाएंगे, NC के आउटपुट पे लगा देंगे। अभी लगा के देखना ना, किस लिए पूछना है, अभी सीधा जोड़ के देखना था, ये पूरा फंडा समझ में आ गया ना आप लोगों को। अभी जोड़ के देखेंगे जैसे पहले जोड़े थे सेम ही जुड़ेंगे तार। हाँ टाइमर में क्या गड़बड़ है सर, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है, जब यहाँ से जा रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तार का। ये टाइमर है, इस टाइमर को चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, इस टाइमर को चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें दो पॉइंट है A1 A2, ये वाला A2 हमने पहले दे दिया था, A1 ये आ गया यहाँ पर, ये लिखा हुआ ना A1, A1 में यहाँ से तार लगे, एक A1 में जोड़ दिया, वहाँ से तार उठा के यहाँ पर जोड़ दिया, मतलब एक लूप दे दिया ऐसे भाई। यहाँ पर नीचे सप्लाई भी तो देंगे ना किसी न किसी तरह से, ये तो NONC होते हैं, जो 16 नंबर है, जैसे ये 15 नंबर है, 15 नंबर पर सप्लाई देंगे जब भी, तो वो 16 नंबर पे आएगी, अगर यहाँ सप्लाई नहीं देंगे तो कैसे आएगी, तो वो सप्लाई दे दी हमने यहाँ पर, मतलब जो लूप किया है ना वो चीज़ किया है। फिर नीचे से बस कुछ नहीं है, वो तार निकाल के जो 16 नंबर से था NC में घुसा, NC से बाहर निकलेगा A1 में, इसमें जो दूसरा था 18 नंबर से भी ले सकते हैं, ठीक है, 18 नंबर से लिया और ये NC में डायरेक्ट NC में चला गया। हाँ इसके NC में, इसके NC से बाहर निकल के अगले में पॉइंट में गया ना, NC से इसके A1 में चला गया, NC से निकला सीधा A1 में चला। हाँ ये भी ऑन हो गया और ये बंद हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। अभी जिस चीज़ को देखो एक बार, वहाँ जाके एक दो बार करके देखोगे ना तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ भाई कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, अब यहाँ करेंगे।
एक बार तो फोटो खींच लो इसका। हाँ जी।